नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा SBI क्लर्क 2022-2023 को लेकर है। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन, क्या पढ़ें, कैसे करें सिलेक्शन पक्का, प्री मेंस की एग्जाम डेट क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहें, आपके मन के सभी सवालों के उत्तर इस वीडियो में SBI क्लर्क से रिलेटेड दिए जाएंगे। आपको और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए SBI JA 2022-2023। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नोटिफिकेशन SBI JA का होता है, क्लेरिकल के नाम से नहीं होता है। JA यानी कि जूनियर एसोसिएट्स। अब देखिए, सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं प्री एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड। तो देखिए, ये डेट निकल के आ रही है 9 जुलाई। 9 जुलाई को आपका प्री का एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड है। मैं आपको मेंस की डेट भी आपको बताना चाहूंगा, मेंस एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड। तो ये डेट हमारी निकल के आ रही है 27 अगस्त। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, आपको काफी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको एग्जाम निकालने में मदद करेंगी वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, नोटिफिकेशन कब हमें देखने को मिल सकता है और आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं इस वीडियो में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर भी कोई सवाल अगर छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके आंसर्स जरूर दूंगा। अब देखिए, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड। तो देखिए, एक्सपेक्टेड है कि मई के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है आपका नोटिफिकेशन। और देखिए, वैकेंसीज की भी बात करें तो वैकेंसीज आपको डिसेंट अमाउंट में मिलेंगी। अब सबसे पहले हम बात करें कि सर इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करें, तो इसका अगर मैं आपको प्री का पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस करूं तो सबसे अच्छी बात वो ये है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ना ही प्री में होता है ना ही मेंस में होता है। इसमें आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग पूछा जाएगा और सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर प्री और मेंस। तो इसमें देखिए, आपको एक थोड़ा सा फायदा है कि अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी सी परेशानी आती है तो उसको कवर करने के लिए आप क्वांट और रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स लेकर उसको बैलेंस कर सकते हैं, इसीलिए ये एक आपके लिए एडवांटेज रहेगा। दूसरी बात, मेंस का इसका जब मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बताता हूँ तो आपको खुद लगेगा कि आप इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करके जीत हासिल कर सकते हैं, आपका SBI में कार्य करने का सपना साकार हो सकता है। तो आप जुड़े रहें, एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको और किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्री में देखिए क्या खासियत है कि नो सेक्शनल कट ऑफ,
मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का कोई सेक्शनल कट ऑफ आपको निकालना है, तो ये एक आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा कि इंग्लिश में अगर आपके थोड़े मार्क्स जिन बच्चों के कम भी आते हैं तो वो लोग क्वांट और रीजनिंग में उसको कवर करके ओवरऑल कट ऑफ अच्छा बना सकते हैं। अब देखिए मेंस की हम बात करते हैं, तो मेंस में देखिए मैं मेंस के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें भी देख थोड़ी सी एक बात है जो कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो जैसे इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, क्वांट पूछा जाएगा, रीजनिंग आएगा, रीजनिंग और जीए, जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। अब देखिए इसमें अलग क्या है, तो मैं यहां पे आपके लिए लिखूंगा मार्क्स कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा सेक्शन आ रहा है। तो मार्क्स देखिए इंग्लिश आपका कितने मार्क्स का आता है, तो ये आपका आता है 40 मार्क्स का। मेंस की अभी हम बात कर रहे हैं, बात कर लें क्वांट के लिए, तो क्वांट हमारे कितने मार्क्स का आता है, क्वांट हमारा 50 मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स। अब बात करते हैं रीजनिंग की, तो हमारा रीजनिंग जो है ये आपका 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। अब देखिए हम बात करें जीए की, जनरल अवेयरनेस की, तो ये आपका आता है 50 मार्क्स का। अब आप देखिए इसका टोटल करेंगे तो देखिए ये टोटल निकल के आएगा आपका 200 मार्क्स। अब देखिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस क्यों किया, ये डिस्कस करने के पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि देखिए अगर आपका इंग्लिश जैसे कुछ कैंडिडेट्स का थोड़ा सा लोअर रहता है, वो कहते हैं कि सर हम इंग्लिश में स्कोर ज्यादा नहीं कर पाते, तो आप इसमें देखिए वेटेज देखिए आप इंग्लिश का, 40 मार्क्स का वेटेज है इसके अंदर। अब देखिए आप अगर जीए अपना अभी से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो देखिए वो 50 मार्क्स का जीए है आपका, और रीजनिंग काफी कैंडिडेट्स का अच्छा रहता है, तो आप देखिए रीजनिंग का कितना मार्क्स इसमें अलॉट किए गए हैं, 60 मार्क्स। तो ये सब चीजें आपके फेवर में है, ये सब चीजें आपको सिलेक्शन के लिए मदद करेंगी और आपकी सिलेक्शन एसबीआई में सुनिश्चित करेंगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो एसबीआई का ही अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है। तो आप ये मत सोचिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा तब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, आप अभी से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि जुलाई से आपके, जुलाई में जैसे कि मेंस मैंने आपको बताया एसबीआई का, इसके अलावा अगस्त से आपके आरआरबीज और आईबीपीएस सभी के एग्जाम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब प्री एक्सपेक्टेड डेट है अगस्त में। अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा जो कि कैलेंडर रिलीज हुआ है आरआरबीज का और आईबीपीएस का, तो अगस्त से उनके प्री एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं। तो उससे देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी का आपको समय मिला हुआ है यानी कि अप्रैल मई जून का, अप्रैल मई और जून का, ये तीन महीने आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, आप इसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। अच्छा अब आप कहेंगे कि सर प्रिपरेशन में क्या करें, तो देखिए प्रिपरेशन में आप रीजनिंग में पजल्स बनाने की कोशिश कीजिए बहुत सारे। इंग्लिश की बात करें तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पैरा जंबल सॉल्व करिए, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन ये ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, काफी आप मॉक दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा तो मैं आपके लिए मॉक पर भी एक वीडियो लेकर जल्द आऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से मॉक्स हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे या उनको देने का क्या तरीका होता है, किस प्रकार से मॉक को एनालिसिस
किया जाता है। तो ये जो 3 महीने हैं आपके अप्रैल, मई, जून, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को ओवर एज दीजिए, जिससे कि आप कंपटीशन में अपना एक स्थान ले सकें। और अगस्त से जैसे ही आपके एग्जाम्स आने शुरू हो जाएंगे, तब देखिए आपको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका जैसे कि प्री हुआ, फिर एकदम से मेंस हो जाएगा, दूसरे एग्जाम्स का प्री आ जाएगा, फिर मेंस आ जाएगा, तो आप उस समय सिर्फ मॉक्स दे रहे होंगे, जीके पढ़ रहे होंगे। पर ये जो 3 महीने हैं आपके, इसमें आप अपने लूप होल्स हैं, जो आपकी कोई मॉक देकर आपको कमी पता चलेगी, उन सबको पॉलिश अभी आप कर सकते हैं। आपके पास अभी काफी टाइम है उन सब चीजों को ब्रशअप करने का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी से लग जाइए और अपने मॉक्स दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो बिगनर्स हैं वो टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप एक टॉपिक ले लीजिए सिलॉग, इनइक्वालिटी, दो दो तीन तीन दिन का टाइम इनको देके आप अच्छे से कर सकते हैं कंप्लीट। तो और भी आपके मन के जो भी सवाल हों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ ये डिस्कस किया कि SBI का प्री का एग्जाम डेट 9 जुलाई को एक्सपेक्टेड है, मेंस का एग्जाम डेट आपका 27 अगस्त को एक्सपेक्टेड है, नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ मई में आ सकता है। प्री एग्जाम पैटर्न भी मैंने आपको बताया, इंग्लिश क्वांट रीजनिंग, नो सेक्शनल कट ऑफ फॉर प्री और मेंस। मेंस एग्जाम में भी मैंने आपको बताया कि आपको क्या फायदा इसमें है, कि इंग्लिश 40 का है, क्वांट 50 का, रीजनिंग 60 का, GA 50 का। तो देखिए अगर आप GA अभी से आप अपना बहुत अच्छा करेंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और हम भी यही कामना करते हैं कि हमारे सभी सब्सक्राइबर का, प्रिपेयर विद रोहित के सभी सब्सक्राइबर का सिलेक्शन हो और आपका SBI में कार्य करने का सपना साकार हो। तो ये GA में देखिए आपको ओवर एज मिलेगा, रीजनिंग में भी आप देखिए 60 मार्क्स की है, तो वो आपको निश्चित सफलता की ओर ले जाएगी। और अगस्त से आपके RRB, IBPS सभी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं, तो ये 3 महीने आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो करंट अफेयर पर भी आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसकी स्ट्रेटेजी लाऊंगा, कितने मंथ्स का करना है, कैसे डिवाइड करना है, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बजट भी जैसे कि उस पर भी आप फोकस कीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं भी आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का प्रयत्न करूंगा। तो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर भी एक अच्छा फोकस करें। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको और भी टॉपिक्स बताना चाहता हूं, परंतु वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए अभी मैं आपको वो सब चीजें नहीं बता रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और हम देखिए आप तक इम्पोर्टेंट बातों को ही डिस्कस करते हैं, आपको सही समय पर बता रहे हैं कि आप अभी से इसमें लग जाइए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, और सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और नोटिफिकेशन में बेल प्रेस कर लें, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचें। और कमेंट में जो भी आपके मन के डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई जल्द से जल्द देंगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।